केंद्र सरकार ने पोल्ट्री कारोबारियों को राहत देने के लिए 16 अगस्त को 12 लाख टन सोया मील इंपोर्ट की अनुमति दी थी। इससे पहले सोयाबीन का दाम 10 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था। इंपोर्ट का आदेश जारी होने के बाद बाजार औंधे मुंह गिरता चला गया। हालात ये हैं कि इसके सबसे बड़े उत्पादक मध्य प्रदेश में सोमवार को इसका MSP घटकर 2400 रुपए रह गया। यानी खुले मार्केट में सोयाबीन का दाम अब इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य 3950 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम रह गया है। 2 महीने पहले किसानों को अच्छा दाम मिलने पर जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे वो अब गायब है। मध्य प्रदेश के किसान नेता का कहना है कि सोयाबीन इंपोर्ट के फैसले की वजह से ही सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को इतनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है। सरकार ने कुछ व्यापारियों के हित के लिए किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। सोयाबीन की नई फसल आते ही व्यापारियों ने सुनियोजित तरीके से दाम गिरा दिया है। इसलिए MSP गारंटी की मांग हो रही है ताकि उससे कम दाम में कोई भी व्यापारी फसल ना खरीदे। मध्य प्रदेश की विदिशा मंडी में 11 अक्टूबर को सोयाबीन का न्यूनतम दाम 2400 रुपए प्रति क्विंटल आ गया, जबकि मॉडल प्राइस 5150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। देश के दूसरे सबसे बड़े सोयाबीन उत्पाद महाराष्ट्र में भी गिरते दाम से किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। यहां की नागपुर मंडी 11 अक्टूबर को 3851 रुपए, अहमदनगर मंडी में इसका मॉडल प्राइस 5641, चंद्रपुर में 4000 और वानी में 4270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोयामील सोयाबीन के बीजों से तैयार किए गए उत्पादों को कहते हैं, जिनका इस्तेमाल पोल्ट्री इंडस्ट्री में पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसे सोयाबीन की खली भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन आयात के खिलाफ लिखित तौर पर केंद्र सरकार का विरोध किया था। वहां के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने लिखा था कि सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है, जिसे खरीफ सीजन के दौरान 120 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान सोयाबीन की खेती करते हैं। अब उनकी फसल तैयार होने वाली है। इस बीच केंद्र सरकार ने 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन इंपोर्ट की अनुमति दे दी है। इस फैसले से सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ेगा। सोयाबीन इंपोर्ट को केंद्र सरकार यह कहकर जरूरी बता रही है कि सोयाबीन की आसमान छूती कीमतों ने पशुओं के चारे को महंगा कर दिया है, जिससे पोल्ट्री, डेयरी और एक्वा उद्योग पर असर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।